Мне кажется, или... क्या हो गया इसका तो छेदे गायब हो गया है? स्विच लगाओ के सटा के सटा हो गया वो पैजामा निकाल दो बेटा बैठ के पर उसे रख दे तनिके देर में हाथ दर्द करे मत करो जल्दी चेक कर सकते खत्म करो पर के आवाज निकाल ये मेरे पति देव है हार ना पहनो यार हार ना पहनो याद रखी है ये मंगती का है तो नथी है हमरा क्यों देखा रहे हैं आप देखिए आप उसका बात सुनते हैं आपका पूजा के कारण क्यों बैठे हुए हैं क्या क्यों उसको मारो हमारा पूजा से मतलब नहीं पढ़ाना है पढ़ा भी हमारा गलत क्यों तू पढ़ो हम अपन पूजा कर ले
Thank you.
ए राजशेखर बउआ के तनी आवाज बंद करवाही तो मोबाइल देखबे करै छी मोबाइल के करा दे छी टीवी के आवाज बंद कर टीवी के रिमोट ला रे राजशेखर हॉल के लाइट वाला एकदम बंद करो टीवी बंद टीवी बंद करो टीवी बंद कर दई रे हॉल के लाइट बार रे हॉल का लाइट बारो सारा लाइट बारो अच्छा वो रहे भाई मोबाइल में छोड़ दई बंद कर दे ना ठीक है टीवी की आवाज करेंगे कम कर देला यहां से कम कर यहां रिमोट हाउ एगो बउआ वीडियो बनना तो मम्मा बंद कर दे आवाज बस रन छुपा करो बस पट्टी है चल चल कर रह दे ना कर तो आवाज बंद कर दे भैया हरी ताली का व्रत विधान व्रत को करने वालों को चाहिए कि सूर्योदय से पहले उठकर भगवान का स्मरण करें, फिर शौच दंत धावन स्नान तथा संध्या वंदन आदि से निवृत्त होकर जहां पर शिव पार्वती का पूजन करना और कथा सुनना हो वहां शिव पार्वती के पूजन के लिए केला वंदनवार आदि से सुसज्जित एक छोटा सा मंडप बनावे। उसी मंडप में अपने बंधु बांधवों के साथ बैठे और अपने आचार्य को आदर पूर्वक बुलाकर उनके लिए एक उत्तम आसन बिछा दे। उसके बाद में कुश जल आदि लेकर ओम अध्यक्षादि से अहं करिष्ये तक का संकल्प वाक्य पढ़ कर संकल्प करे, फिर हाथ में अक्षत फूल लेकर मंदार माला इस मंत्र से पार्वती जी का ध्यान करे। आगच्छ देवी एवं राज्य सौभाग्यवदे आदि मंत्रों से आचमन करावे। मंदाकिनी इस मंत्र से पार्वती जी को पंचामृत से स्नान कराकर शुद्धोदक से स्नान करावे। वस्त्रीव्यम इस मंत्र से वस्त्र का जोड़ा चढ़ावे। चंदनेन इस मंत्र से चंदन लगावे। रंजीते इस मंत्र से अक्षत चढ़ावे। माल्य दीनी इस मंत्र से फूल माला चढ़ावे। चंदनागरु इस मंत्र से धूप देवे। स्वयं ज्योति इससे दीप दिखावे। नैवेद्यम इससे नैवेद्य चढ़ावे। इदम फलम इस मंत्र से फल चढ़ावे। पूगी फलम इससे पान सौभाग्य इससे प्रार्थना करे। इति संस्कृत है हिंदी संस्कृत सब मिलावट है। ओम श्री गणेशाय नमः। हरि तालिका व्रत कथा 3 पूजा करने के बाद कथा सुने। सूत जी कहते हैं मंदार की माला से जिन पार्वती जी का केश पास अलंकृत है और मुंडों की माला से जिन शिव जी की जटा अलंकृत है, जो पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण की हुई है और जो शिव जी दिगंबर हैं, ऐसे श्री पार्वती जी तथा शिव जी को प्रणाम करता हूँ। रमणी कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती है, हे महेश्वर हमें कोई व्रत या पूजन बताइए जो सब धर्मों में सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान बताइए। हे प्रभु किस तप व्रत या दान से आदि मध्य और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए हैं। शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरा सर्वस्व और छिपाने योग्य है लेकिन तुम्हारे प्रेम से वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता वो जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। सब पुराण और स्मृतियों में जिस तरह कहा गया है मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ, तुम एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है वह मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रियसी हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र में युक्त शुक्ल तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती है। ये देवी तुमने आज के बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था, वह वितरांत में तुमसे कहूंगा। पार्वती ने पूछा, हे नाथ मैंने क्यों यह व्रत किया था, यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। शिव जी कहते हैं कि भारतवर्ष के उत्तर की ओर
एक बड़ा रमिक और पर्वतों में श्रेष्ठ भीमवान नामक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियाँ हैं, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं, नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहाँ पहुँच कर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता सिद्ध चारण और पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते हैं। वहाँ पहुँच कर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती है। उस पर्वतराज के कितने ही शिखर ऐसे हैं कि जिनमें स्फटिक रत्न और वैद्रुयमणि आदि की खाने भरी है। वह पर्वत ऊंचा तो इतना है कि के घर की तरह समझकर आकाश का स्पर्श किए रहता है। उसके समस्त शिखर सदैव हिम से आच्छादित रहते हैं और गंगा की जल ध्वनि सदा सुनाई देती रहती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्ष तक तुम उल्टी टांग कर केवल धुआं पी कर रही, 64 वर्ष तक सूखे पत्ते खा कर रही। माघ मास में तुम जल में बैठी रहती और वैसाखी दोपहरिया में पंचाग्नि तापती। सावन के महीने में जल बरसता रहता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन को देखकर बड़े दुखी हुए हुए चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूँ। उसी समय नारद जी वहाँ जा पहुँचे। मुनिश्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने गए थे। नारद को देखकर गिरी ने अर्घ्यपाद आसन आदि देकर उनकी पूजा की और कहा, स्वामी आप किस लिए आए हैं? मेरा वह भाग्य है, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज सुनो, मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह कन्या रत्न किसी योग्यवर को दे। भगवान विष्णु के समान योगवर ब्रह्मा इंद्र और शिव इनमें से भी कोई नहीं है, इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही दे। में हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर आए हैं तो मैं उन्हें अपनी कन्या अवश्य दूंगा। हिमवान की इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए। वे पीताम्बर शंख और चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के जा पहुँचे। वहाँ हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे देव सुनिए, मैंने आपका विवाह पक्का करा दिया। उधर हिमवान ने पार्वती के पास जाकर कहा, हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाला। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए ही अपनी सखी के घर चली गई। वहीं जमीन पर पड़ कर तुम दुखी होती हुई विलाप करने लगी। तुमको इस तरह विलाप करते देख एक सखी ने पास आकर कहा, देवी तुम क्यों इतनी दुखी हो, मुझको इसका कारण बताओ। पार्वती जी बोली, मेरी जो कुछ अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया है, इससे मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। ओम गुस्सा हो जाएंगे। पार्वती जी की इस बात को सुनकर सखियों ने कहा, शरीर का त्याग न कर चले, जहाँ पिता को पता न लगे ऐसी सलाह कर। वह वैसे वन में जा पहुँची। उधर तुम्हारे पिताजी घर घर तुम्हें खोजने लगे दूतों द्वारा भी खबर लेने के लिए कि कौन देवता दानव या किन्नर मेरी पुत्री को हर ले गया है। हम पुलिस के फोन करते हैं, लाते बैठ गए, मोबाइल चला रहा है ना वो। उन्होंने मन ही मन कहा, मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसा सोचते सोचते ही मान मूर्छित हो गए। गिरिराज को मूर्छित देकर सब लोग हाहाकार करते दौड़ पड़े। जब होश हुआ तो सब पूछने लगे कि गिरिराज आप अपनी मूर्छा का कारण बताइए। हिमवान ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुने, न मालूम कौन मेरी कन्या को हर ले गया है। ऐसा नहीं हुआ तो उसे किसी काले सांप ने काट लिया होगा या सीबा खा गए होंगे। हाय राम, मेरी बेटी कहाँ गई, किस दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसा वह वे वायु के झोंके से कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद हिमवान तुम्हें वन वन खोजने लगे। वन भी सिंह भालू आदि हिंसक जंतुओं से बड़ा भयानक हो रहा था। तुम भी अपनी सखी के साथ उस भयानक वन में चलती चलती एक ऐसी जगह जा पहुंची जहां एक नदी बह रही थी। उसका रमणीय के तट पर एक बड़ी सी कंदरा थी। तुमने उसी कंदरा में आश्रय लिया और मेरी
बालू का मई प्रतिमा बनाकर अपनी सखी के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगी। जब भाद शुक्ल की हस्तयुक्त तिथि प्राप्त हुई तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया और रात भर जाग कर गीत वादादि से मुझे प्रसन्न करने में बिताया। उस व्रत के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहां कि तुम अपनी सखी के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूं, बोलो क्या चाहती हो। तुमने कहा, मेरे देवता, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न है तो मेरे पति बने। मेरे तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने वह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी और सखी के साथ उस महाव्रत का पारण किया। हिमवान भी तब तक उस वन में तुम्हें खोजते खोजते आ पहुंचे। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते वे व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुंचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याएं देखी, देखते ही उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया और विलख कर रोने लगे। फिर पूछा, पुत्री, तुम सिंह बाघ आदि जंतुओं से भरे इस वन में क्यों आ पहुंची? पार्वती जी ने उत्तर दिया, हे पिताश्री, मैंने पहले ही अपने आप को शिव जी के हाथों सौंप दिया था, आपने मेरी बात टाल दी, इससे मैं यहाँ चली आई। हिमवान ने सांत्वना दिया कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ न करूँगा, तुम्हें अपने साथ ले घर आए और मेरे साथ तुम्हारा विवाह कर दिए। इसी से तुमने मेरा अर्धासन पाया है, तब से आज तक किसी के सामने मुझे व्रत प्रकट करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। हे देवी, मैं अब बताता हूँ कि इस व्रत का हरिताली का नाम क्यों पड़ा। तुमने तुमको सखियाँ हर ले गई थी, इसी से हरिताली का नाम पड़ा। इस पर पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपने नाम जो बताया और विधि भी बताए, जिसका क्या पुण्य है, क्या फल है, यह व्रत कौन करे? शिव जी पार्वती जी से कहते, हे देवी, मैं स्त्री जाति की भलाई के लिए यह उत्तम व्रत बतलाता हूँ। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा चाहती हो वह यत्न पूर्वक इस व्रत को करे। पहले कदली के खंभे आदि से सुशोभित एक सुंदर मंडप बनावे, उसमें रंग रंग के रेशमी कपड़ों के चंदवा लगाकर चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से वह मंडप लिपावे। फिर शंख, भेरी, मृदंग आदि बजाते हुए बहुत से लोग एकत्रित होकर तरह तरह के मंगलाचार करते हुए मंडप में पार्वती तथा शिव जी की प्रतिमा स्थापित कपूर बरवत दिया ना हो एगो एक्स्ट्रा दिया रखे थे गंदा वाला भी देखिए बड़ा अच्छा मां कोई थी ना ललियन का ना लेकिन गरम हो जाते हैं। हाँ हो जाते ही गरम हो गरम कथी करो। अरे एगो आज सलाई बात दही देवो शीश गंगर धन पार्वती सदा विराजत कैलासी नंदी भृंगी नित्य करत है धरत ध्यान तुर सुख राशि शीतल मंद सुगंध पवन बह बैठे है शिव अविनाशी करत गान गंधर्व सप्त स्वर राग रागिनी मधुराशी यक्ष रच भैरव जह डोलत बोल लत है वन के वासी कोयल शब्द सुनावत सुंदर भ्रमर करत है गुन्नासी कल्पतुम अरुपारिजात तरु लाग रहे है लक्षासी कामधेनु कोटिंत डोलत करत दुग्ध की वर्षासी सूर्यकांत सम पर्वत शोभित चंद्रकांत सम हिम राशि नित्य छहो ऋतु रहत शोभित सेवत सदा प्रकृति दासी ऋषि मुनि देव धनुज नित सेवत गान करत
श्रुति गुण राशि ब्रह्मा विष्णु निहारत निश दिन कुछ शिव हकुंकु परमासी रिद्धि सिद्धि के दाता शंकर नित सत्यतानंद राशि जिनके सुमिरत ही कट जाती कठिन काल जम की फांसी त्रिशूल धर सी का नाम निरंतर प्रेम सहित जो नर गासी दूर होए विपदा उस नर की जन्म जन्म शिव पद पासी कैलाशी काशी के वासी अविनाशी मेरी सुधली जो सेवक ज्ञान जान सदा चरणन को अपनी जान कृपा की जो तुम तो प्रभु जी सदा दया मया भूल मेरे सब ढकियो सब अपराध क्षमा कर शंकर किंकर की विनती सुनियो। आरती त्रिगुण शिव जी की जय। शिव ओंकारा हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा एकानन चतुरानन पंचानन राजय हंसानन गरु आसन विश्वाहंसा जय दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज ते सो हे तीन रूप निरक्ता त्रिभुवन जन्मोहे अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी चंदन मृग मद सोहे भाले शशिधारी श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे कर मध्य शेष कमंडल चक्र त्रिशूलधरता सुख करता दुख हरता जग पालन करता ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका प्रणवाक्षरो मध्य तीनों एका त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे काशी में विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी नित उठि भोग लगावे सेवत नर नारी। प्रणाम करो वीडियो तो हुआ बैठ गए गीत पढ़ते कदो पी गीत पढ़ो कहीं ना नानकी की तने वो फोटो खींच दे वेला नानकी मामा का फोटो खींच दे नानकी बड़ा राज भी बड़ा राज भी राज से कहा हाँ बड़ा मामा का फोटो खींच दे ना फोटो नीचे से फोटो नहीं मैं नीचे से फोटो ज्यादा तुम लोग का हटो हटो अच्छा सुना भाई तू उठा उठा मोबाइल उठा वीडियो बंद कर देखो भगवान की
फोटो खींच। खींच रहा हूँ। 15 सेकंड के बनो। सिंपल खाली फोटो खींच। फोटो। तो ना कर लिया अभी फिर। कर दिया। आप फोटो भी खींचते हो ना? जो पापा सिंदूर करता है वीडियो चालू। अंदर जा चुका है, फुल दिवाली का दिया बन गया है, गैस बंद कर दे, गैस चालू है, ये ज्यादा आएगा। सिल्वर यहाँ पर अंदर जाके फुल सूख चुका है, मिट्टी भी खाली हो चुकी है। अब खोल के देखा जाए अंदर, बटन तो रेडी हो गया है, काम काला हो चुके हैं, एकदम रफ बना है। यूट्यूब से जो आता है वो फुल एकदम क्लियर होता है, और इस बटन के दो पैर भी आ चुके हैं, हो गया किसी का अंदर बॉडी दिख रहा है। पूरा सुनाओ जो हम यहाँ पर लिखा हुआ मेड इन जर्मनी, 100 ग्राम का चांदी का सिक्का है, फुल 999 कैरेट्स का, मतलब 99.9% प्योरिटी। सबसे पहले यहाँ पर एक कटिंग मशीन ली गई है जिसकी डिग्री सेट कर रहा है, अच्छा नहीं हाइट चेक कर रहा है, टीका हटा कर लगा ही ना, ये नाक पर टीका लगा है, टीवी मारती है, नॉटी ब्लेड भगवान की पूजा कर रहे हैं। प्ले बटन के फ्रेम में लगाएगा, ये फ्रेम की बॉर्डर है हमारी, और एक क्रॉस कटिंग हो रहा है यहाँ पर, वहाँ काफी बल्ब दिख रहा है, काला काला बोर्ड, और फेविकॉल लगा के यहाँ पर ये बनने वाली है हमारी प्ले बटन की फ्रेम, फुल मैट फिनिश दिया है भाई, टेम्पलेट को फाड़ दिया, ये किस हुआ, टेबलेट हमारा फोन के ऊपर चिपका दिया है, तो बीच के प्ले बटन को काट के फोन चिजल किया जा रहा है, एकदम प्यार से प्लेन होना चाहिए। तो सबसे पहले वो लकड़ी का प्ले बटन बना रहा है, एक्चुअली 1000 सब्सक्राइबर पे ये लकड़ी वाला बटन देना चाहिए, तो एकदम इंस्पायरिंग होता है प्ले बटन मिलने के बाद। ये क्या चीनी मिट्टी, आई थिंक क्ले टाइप होगा ये, या फिर ये मोल्ड वाली मिट्टी होगी, मिट्टी को हथौड़े से मारना, केक दिख रहा है एकदम मस्त।